जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है फैट लॉस के ऊपर। तो आप कैसे फैट लॉस कर सकते हैं, तो सिंपल तरीका बताएंगे, ना ही कोई घुमा फिरिया का तरीका बताने वाले हैं, ना ही कोई आपको ऐसी कोई ड्रिंक बताएंगे जिससे आपका फैट लॉस हो जाए, ना ही कोई ऐसी ड्रिंक बनी है जिससे आपके पीने के बाद फैट लॉस हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जो होगा वो इस वीडियो में, कैसे होगा वेट लॉस वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। फैट लॉस की जब हम बात करते हैं, हमें ये पता होता है कि हमें खाना कम खाना होता है, जिसके कारण लोग पता क्या करते हैं, पूरे ही कम खाते हैं, जिसमें सुबह सलाद वगैरह खा लिया, शाम को भी सलाद वगैरह खा लिया या एक रोटी खा ली, तो उन्हें लगता है हम कम खा रहे हैं तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। भाई कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वेट कम होगा, फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। जिसको आपको उस बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दोगे, हाई प्रोटीन नहीं दोगे, फाइबर नहीं दोगे, तब तक जाके आपका फैट लॉस नहीं होगा, ना ही मेटाबॉलिज्म वापस अप होगा। क्या करते हैं कि जमा ही कम कर देते हैं खाना, और उनकी जो मशीन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो एकदम रुक जाता है। भाई उसको चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा हेल्दी, तो उसमें हेल्दी चीज़ डालनी पड़ेगी, जिसमें जो प्रोटीन, फाइबर, फैट, ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें खाओगे तो मेटाबॉलिज्म काम करेगा, ठीक है। पूरे दिन की कैलरी में से 500 कैलरी कम लेनी होती है, या आप इनका झंझट नहीं करना चाहते तो नॉर्मल सी बात है कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं और जंक फूड, मीठी चीज़ें और इनसे दूर रहें, तब जाके आपका फैट लॉस होगा। और एक होता है रोटी से रिलेटेड, भाई रोटी और ये चावल है और आलू है, इनको नहीं खाना। भाई इनको इसलिए बोला जाता है भाई मत खाओ, क्योंकि आप इनका इतना ज़्यादा यूज़ करते हो भाई, पूरे दिन में आप सुबह 5-6 रोटी खा लेते हो, शाम को 5-6 रोटी खा लेते हो, और आपका वेट गेन हो जाता है। इनको एक लिमिट से हिसाब से खाना होता है। रोटी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, आलू खाओ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरे दिन की कैलरी जो होती है, या आप कह सकते हैं कि इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लें, चाहे रोटी ले ली और उसमें प्रोटीन, फाइबर, ये चीज़ें इनमें उन जिन फोटो में होती है वो चीज़ें आपको लेनी होती है। और ये पूरी डाइट प्लान आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें पूरे दिन का डाइट प्लान बताया हुआ है। वेजिटेरियन भी है, पूरा प्योर वेजिटेरियन है, जिसमें थोड़ा सा आप एंड में जाके देखोगे तो आपको नॉनवेज भी मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप जैसे लगे वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें सुबह क्या पीना है और ब्रेकफास्ट में 5-6 आइटम बताई हुई है, तो उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। फिर ऐसे लंच में आ जाएगा, लंच में भी 5-6 आइटम बताई हुई है, उनमें से कोई भी आप कंज्यूम कर सकते हो। ऐसी डिनर में आपको 5-6 आइटम बताई हुई है, जो आप कोई भी उनमें ले सकते हो। तो आप उसको फॉलो करेंगे, उनमें से कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसमें संतुलित आहार के रूप में वो बनाया हुआ है, मतलब उसमें सभी प्रोटीन, फाइबर सभी मिक्स हैं, जो आपको फैट लॉस होने में मदद करेगा, फैट लॉस होने में मदद करेगा। और जो आप डाइट फॉलो करते हैं उससे पूरा वेट लॉस होता है, जिसमें आपके मसल भी चली जाती है, क्योंकि आप प्रोटीन ले नहीं पाते, जिसके आप मसल भी जाते हैं, और आप इतना कार्डियो कर लेते हैं, या आप कार्डियो करते हैं होंगे तो फुल कर लेते होंगे, या तो करते होंगे तो नॉर्मल करते होंगे, जिससे ये क्या है कि आप एक्सरसाइज भी करते होंगे ना, कई तो क्या फुल करते हैं, जिससे क्या उनकी स्किन लटक जाती है, और साथ में वो जिम वगैरह नहीं करते तो इनकी स्किन लटक जाती है। तो आपको अगर कार्डियो भी करना है तो कार्डियो करो और साथ में जिम वगैरह करो, जिससे आपकी मसल्स बनती रहे, और साथ में बढ़िया डाइट फॉलो करो, ठीक है। और एक तो ये होते हैं लोग, और दूसरे लोग क्या होते हैं, डाइट भी फॉलो नहीं करेंगे और साथ में जिम भी वगैरह ज्वाइन की होगी, तो उन्होंने वो क्या करेंगे, जिम में जाकर एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, साइड वाली कर ली और पेट की एक्सरसाइज कर ली। तो ये एक्सरसाइज आप करोगे और थोड़ी मोटी जिम मार के चले जाओगे, इनसे फैट लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। आपको जाकर कार्डियो करना होगा, कार्डियो करोगे, जैसे हाई नीज होगी, जंपिंग जैक्स वगैरह हो गया, ये होगी, ठीक है, ये काफ़ी एक्सरसाइज है, जो रनिंग होगी, और ये काफ़ी एक्सरसाइज है, इनको सभी को इंक्लूड करोगे। और इन एक्सरसाइज को जैसे आप एक एक मिनट 3 बार कर सकते हो, ठीक है, ये प्रत्येक एक्सरसाइज एक एक मिनट 3 बार कर सकते हो, आधा, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आधा घंटा रनिंग कर सकते हो, और शाम को या सुबह या शाम आप जिम मार सकते हो, और साथ में डाइट फॉलो करोगे तो इतनी जल्दी से फैट लॉस होगा आपको पता ही नहीं लगेगा, और आप इतने जल्दी फिट हो जाओगे तो आप यकीन नहीं होगा। तो इन चीज़ों को इस तरीके से फैट लॉस करोगे, तब जाके बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और आपकी लुक
बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इस तरह से आपको डाइट फॉलो करना है, तब जाके आपका फैट लॉस होगा। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कीजिए हमें जल्दी से जल्दी। तो धन्यवाद।